न्यूज लीडर्स के नक्षत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 26 दिसंबर मंगलवार है। आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, जानिए अपना दैनिक राशिफल पंडित राधा माधव शरण जी से। मेष राशि वालों के आज घर में विशेष खर्च रहेगा, बिना सोचा कार्य होगा, मेहमान आ सकते हैं, छात्रों का समय ठीक है। वृषभ राशि वालों के पास लाभ के अच्छे अवसर है, व्यापार में भी तरक्की के सुंदर योग है, घर में सुख शांति के पूर्ण चांस है, छात्रों का समय अनुकूल है। मिथुन राशि वालों को नानाजी के पक्ष में चिंता रहेगी, ससुराल से भी अनबन के चांस है, धन का नुकसान संभव है, समय खराब है, ध्यान रखें, छात्रों का समय चिंताजनक है। कर्क राशि वालों की आय के साधनों का विकास होगा, व्यापार में नया कार्य बनेगा, बड़े भाई से लाभ होगा, मित्र आपकी सहायता करेंगे, छात्रों का समय श्रेष्ठ है। सिंह राशि वालों के कारण आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यापार में अच्छा लाभ होगा, छात्रों का समय ठीक है। कन्या राशि वालों का भाग्य आज आपके पक्ष में होगा, हर तरफ से फायदा होगा, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, धन लाभ के अप्रतिम चांस है, छात्रों का समय श्रेष्ठ है। तुला राशि वालों को व्यर्थ की चिंता रहेगी, धन का अभाव होगा, खर्च की अधिकता से परेशानी बढ़ेगी, स्वास्थ्य में गड़बड़ी संभव है, छात्रों का समय खराब है। वृश्चिक राशि वालों की पत्नी आज आपको सहायक होगी, उसी की राय से आज आपको लाभ के चांस है, घर में भी सुख शांति रहेगी, छात्रों का समय ठीक है। धनु राशि वालों को शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, आज कोई बड़ा नुकसान होगा, समाज में भी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, सावधानी रखें, छात्रों का समय खराब है। मकर राशि वालों का संतान पक्ष में आज का समय अच्छा है, बड़ा भाई आपको सहायक होगा, धन के योग अच्छे है, जमीन संबंधित कार्य होगा, छात्रों का समय अनुकूल है। कुंभ राशि वाले माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, भूमि का नुकसान संभव है, किसी को उधार देने से बचे, पुराना कोई पैसा डूब सकता है, छात्रों का समय खराब है। मीन राशि वालों के अपने कारण से आप परेशानी में पड़ सकते हैं, सावधानी से रहे, किसी पर भरोसा आपको नुकसान देगा, घर में भी अशांति रहेगी, छात्रों का समय मध्यम है। न्यूज लीडर्स की खबरें सहित अपने क्षेत्र की हर खबर अपने मोबाइल तुरंत पाने के लिए न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।